धार जिले के पीथमपुर में शाम 6 बजे छत्र छाया कॉलोनी पर शुभम उम्र 22 वर्ष निवासी जमोदी घर से अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी दो युवक घात लगाकर बैठे थे और उसने उनका कत्ल कर दिया था। राजा पिता विजय बंसल उम्र 22 वर्ष एवं अरुण बंसल पिता कुंदन लाल बंसल उम्र 28 वर्ष दोनों ही आरोपी काका भतीजा है। थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि राजा ने मृतक को पकड़ा और अरुण ने उसे चाकू मारा। दाहिने हाथ पर 2 चाकू और 1 चाकू सीधे दिल के पास यानी दिल में लगी, जिससे वो मृत हुआ। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस एम्बुलेंस में शुभम को ले जा रही थी। गेटवेल अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी संतोष दुधी के कुशल नेतृत्व और उनकी काबिलियत के दम पर पुलिस महकमे ने चांद ही घंटे में आरोपियों का पता लगा लिया। आरोपियों की लोकेशन इंदौर दिख रही थी। पुलिस ने तत्काल इंदौर अपनी टीम भेजी और इंदौर से आरोपियों को पकड़ कर ले आए। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। कल छत्र छाया गेट पर एक हत्या हुई शुभम नामक व्यक्ति की। सर, उसमें आरोपियों को क्या पकड़ लिया गया और कौन आरोपी है, किस कारण से ये हत्या हुई? इस हत्याकांड में 2 आरोपी है, एक अरुण है और दूसरा महेंद्र है। दोनों ही आरोपियों को हमने पकड़ लिया है। कल घटना के बाद से दोनों यहाँ से फरार होकर इंदौर तरफ भागे थे। आज सुबह सुबह इनको ट्रैक कर लिया है। हत्या का क्या कारण रहा सर? हत्या के पीछे कारण ये रहा है कि जो आरोपी अरुण है, इसकी पत्नी 4-5 दिन पहले घर से कहीं चली गई थी और इसको शक है कि जो मृतक शुभम है उसके साथ ही गई थी, उससे इसके संबंध है। इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और मौका पाकर इसने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया। और भी इसके साथ कोई सम्मिलित था सर, या और कोई अंदेशा है इसमें? इसके अलावा और कोई इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ इन दोनों ही लोगों ने घटना घटी है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और भी पुलिस क्या कदम उठाएगी सर? इस तरह के जो पारिवारिक विवाद होते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह से ये सेटल हो और काउंसिलिंग के जरिए समझाइश दी जाती है। लेकिन चूंकि ये इसका एकदम भावनात्मक मुद्दा था, इसलिए इसने तुरंत इसमें इस तरह आक्रोशित होकर अपराध किया। हत्या में सर किस औजार का इस्तेमाल हुआ था? चाकू का उपयोग इसने किया है। जो बरामद हो गई है पुलिस के तहत? अभी कर रहे हैं बरामदगी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।